और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है बेरोजगारों की मांगों से जुड़ी हुई। 20 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों के आंदोलन से जुड़ा पूरा मामला और अपडेट ही मिल रही है कि उपेंद्र यादव के नेतृत्व में 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रागा, सचिव आरती डोगरा, संयुक्त सचिव ललित गुप्ता से करीब 1.25 घंटे वार्ता चली। अधिकारियों से वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी और जल्द ही डीओपी सचिव के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी। कुलदीप राका ने चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर खुद करेंगे मीटिंग, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही अन्य विभागों की मीटिंग भी लेंगे कुलदीप राका। सभी मीटिंग होने के बाद फिर से प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी। सहयोगी ललित इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुकी है। ललित, बड़ी जानकारी मिल रही है कि कई मांगों पर सहमति बन चुकी है, कौन कौन सी मांगे हैं वो? हालांकि मनी, जो मांगों पर सहमति बनी है उस पर किसी भी प्रकार की अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी मीटिंग खत्म हुई है, तकरीबन 1.25 घंटे तक मीटिंग चली है, उसमें आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं कुलदीप राका, सचिव आरती डोगरा और संयुक्त सचिव ललित गुप्ता, उनके साथ 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की उपेंद्र यादव के नेतृत्व में मुलाकात हुई है। इसके साथ ही आश्वासन दिया गया है कि मांगों को लेकर जल्द ही डीओपी सेक्रेटरी के साथ इन प्रतिनिधि मंडल की वार्ता करवाई जाएगी। उससे पहले कुलदीप राका, उन्होंने आश्वासन दिया है कि चिकित्सा विभाग की भर्तियों की पहले वह खुद मीटिंग लेंगे। इसके साथ ही अन्य विभागों से जो जुड़ी हुई मांगे हैं उनकी भी मीटिंग कुलदीप राका द्वारा ली जाएगी। कुलदीप राका द्वारा सभी विभागों की मीटिंग लेने के बाद जो प्रतिनिधि मंडल है उसके बाद उसके साथ एक बार फिर से जो कुलदीप राका, आरती डोगरा और ललित गुप्ता की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद जो आगे की आश्वासन है, यानी कि जो इनकी मांगों को लेकर सहमति बननी है, उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। ऐसे में तकरीबन 15 से 20 दिनों का समय इन मीटिंगों के दौर में लग सकता है। हालांकि ये भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही डीओपी सचिव से इनकी मुलाकात करवाई जाएगी और मांगों को उनसे भी अवगत कराया जाएगा। तो ऐसे में 38 दिन तक बेरोजगारों का गुजरात में आंदोलन चला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वार्ता होने के बाद बेरोजगारों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया था और मुख्यमंत्री ने जो है उनको राजस्थान के में आकर अधिकारियों से वार्ता का न्योता दिया था, जिसके बाद बेरोजगारों ने अपना आंदोलन समाप्त करते हुए राजस्थान आए थे। आज वार्ता हुई है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 दिनों में जो प्रदेश के बेरोजगार हैं, जो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका ललित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वार्ता के बाद पॉजिटिव संकेत यही मिल रहा है कि अगले 15 से 20 दिन जो है काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इस दरमियान कुछ अच्छी खबर युवाओं के लिए सामने आ सकती है।